things up. Bolo, me pitani. Nai pitio. क्योंकि मुझे चढ़ती नहीं है, नहीं चढ़ती। फ्रेंड्स, इस मूवी में हीरो कहता है कि मुझे चढ़ती नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे कि मुझे चढ़ती नहीं है? फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इम्यूनिटी क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इम्यूनिटी का यूज कब करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। इम्यून टू मींस बी सेफ या नॉट अफेक्टेड। फ्रेंड्स, इम्यून टू का मतलब होता है किसी चीज से सेफ रहना या किसी चीज से अफेक्टेड न होना, यानी उससे प्रभावित न होना। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। ही इज इम्यून टू वाइन। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह शराब से अफेक्टेड नहीं होता है, यानी वह शराब से प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, शराब पीने के बाद भी उसको चढ़ती नहीं है। तो फ्रेंड्स, उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन जहां उस हीरो ने कहा कि मुझे चढ़ती नहीं है, अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहेंगे आई एम इम्यून टू वाइन, यानी मुझे चढ़ती नहीं है, या शराब के नशे का कोई असर नहीं होती है। आई एम इम्यून टू फीवर। जानते हैं फ्रेंड्स इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मुझे बुखार नहीं आती, या मैं बुखार से सेफ हूँ, या मैं बुखार से प्रभावित या अफेक्टेड नहीं होता हूँ। हालांकि फ्रेंड्स, मैं अपने साथियों को देखा हूँ जो अगर बरसात के दिनों में नहा लें या फिर ज्यादा आइसक्रीम खा लें तो उन्हें फीवर हो जाती है। बट अगर मैं इस चीज से प्रभावित नहीं होता हूँ, ज्यादा नहाने या आइसक्रीम खाने के बावजूद भी अगर मुझे बुखार न हो, तो मैं कह सकता हूँ आई एम इम्यून टू फीवर। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी इज इम्यून टू ग्रीड। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है वह लालच से अफेक्टेड नहीं है, यानी अगर आप उसे किसी चीज की लालच दें तो वो लालच में नहीं आएगी। इस चीज से वह इम्यून टू है, यानी इस चीज से वह प्रोटेक्टेड है। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो आई नो यू आर इम्यून टू मैजिक, तो जानते हैं फ्रेंड्स इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं जानता हूँ आप पर जादू का कोई असर नहीं होता, या मैं जानता हूँ कि आप जादू से सेफ हैं या जादू से अफेक्टेड नहीं होते हैं। यानी कोई आदमी अगर आप पर जादू करे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इम्यून टू का यूज समझ में आया कि इम्यून टू मींस प्रोटेक्टेड बाई या बी सेफ या नॉट अफेक्टेड, यानी किसी चीज से फर्क ना पड़ना। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है सी इज इम्यून टू हेडेक। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि उसे सरदर्द नहीं होती है, या वह सरदर्द से इम्यून टू है, यानी वह हेडेक से सेफ है, वह अफेक्टेड नहीं होती है। यू आर इम्यून टू करप्शन। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि आप करप्शन से सेफ हैं, या आप करप्शन से अफेक्टेड नहीं होते हैं। यानी अगर कोई आदमी आपको करप्शन में उलझाए तो आप उलझने वाले नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह टॉपिक समझ में आया तो फिर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। सी इज इम्यून टू पॉइजन। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।